वादों कैसे आप सब चले आए। अब यूट्यूब की बुक्स ओपन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाथी। आज हम क्या पढ़ेंगे? हाथी। चले पढ़ते हैं। दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे पांव, दो मोटे मोटे हाथ और दो मोटे मोटे पांव। छोटी सी एक तुम है, छोटी सी एक तुम है और लंबी सी है नाक, और लंबी सी है नाक। दो गोल गोल सी आंखें, गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान, दो बड़े बड़े से कान। बच्चों का है साथी, नाम है उसका हाथी। लफ्ज लिखिए, तस्वीर देखकर लफ्ज लिखिए। जैसे कि तस्वीर में हमारे पास यहाँ क्या है? आंखें। तो हम आंखें कैसे लिखते हैं? अलिफ मद्दा, नून की छोटी शक्ल, क्याफ, दो चश्मे है, ये नून गुन्ना आंखें। अब ये हमारे पास क्या है पिक्चर में? कान। तो कान हम कैसे लिखते हैं? क्याफ अलिफ का नून कान। अब ये इसकी क्या है? हाथी की नाक। नाक कैसे लिखते हैं? नून की छोटी शक्ल, नून अलिफ क्या नाक। ये क्या है इसकी? हाथी की क्या ये है? दुम। तो हम यहाँ लिखेंगे दाल पेश मीम दुम। जाते हैं सवालों के जवाब लिखिए। सवालों के जवाब में कैसे, कैसी, किस, जैसे किस, कैसे, कैसी, इनको बदल के हमने इनका जवाब में लिखना है। सवाल है, ये नज़्म किस के बारे में है? ये नज़्म हाथी के बारे में है। किसकी जगह हमने लिख दिया? हाथी। हाथी के हाथ कैसे होते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे हाथी, हे छोटी शक्ल अलिफ, हा दो आंख वाली हे और छोटी ए, हाथी, क्या बड़ी ए, के हाथी के हाथ, हे अलिफ थे हाथ। कैसे की जगह हम लिख देंगे हाथी के हाथ कैसे होते हैं, हमें पता है, मोटे मीम वाओ टे बड़िए मोटे होते हे वाओ ते बड़िए होते हे ये नून गुना हैं। हाथी के हाथ मोटे होते हैं। हाथी की दुम कैसी होती है? हम लिखेंगे हाथी हे अलिफ थे छोटी ए, हाथी क्या छोटी ए की दाल पेश में दुम कैसी होती है? छोटी। हाथी की दुम कैसी होती है? लिखते हैं हम छ दो आंख वाली है वाओ छो टे छोटिए टे छोटिए छोटी होती है वाओ ते छोटिए होती है बड़िए है। हाथी की नाक कैसी होती है? हम यहाँ लिखेंगे हाथी हे अलिफ ते छोटिए हाथी क्या छोटिए की हाथी की नाक नून अलिफ क्या नाक कैसी होती है? लंबी लाम मीम बे
छोटी है, लंबी होती है, वाओ ते छोटी होती है, बड़ी है। हाथी की नाक लंबी होती है। हाथी की आंखें कैसी होती हैं? देखेंगे यहाँ पे हाथी, हा थी, क्या छोटी की आंखें अलिफ मदा नून, क्या ये नून गुना आंखें कैसी होती हैं? गोल, गाफ वाओ लाम गोल होती है, वाओ ते छोटी होती हैं, हे ये नून गुना हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? यहाँ लिखेंगे हम हाथी हे अलिफ थे छोटी ए हाथी क्या बड़िए के कान काफ अलिफ का नून कान कैसे होते हैं? बड़े बे रे बड़िए होते हैं, वाओ ते बड़िए हे ये नून गुना हैं। यहाँ आ जाते हैं हम। आपने हाथी के बारे में नज़म पढ़ी, अभी हमने हाथी के बारे में नज़म पढ़ी, अब ऐसी ही नज़म खरगोश के बारे में लिखिए, सोचिए और लिखिए। अब हमने हाथी के बारे में नज़म पढ़ी, अब उन्होंने खरगोश के बारे में खुद से लिखने को बोला, तो यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ी सी हिंट भी दे दिए हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिखना शुरू करते हैं। पहली लाइन हमारी, हमारे हाथी के दो मोटे मोटे हाथ थे, लेकिन यहाँ तो खरगोश है और इसके हाथ कैसे हैं? छोटे, तो हम लिखेंगे दो छोटे छोटे हाथ, लिखेंगे हम दो दाल वाओ दो छोटे छे वाओ टे बड़िए छोटे छोटे हाथ हे अलिफ थे हाथ दो छोटे छोटे हाथ। अब उसके पाँव, हाथी के पाँव कैसे थे? दो मोटे मोटे पाँव, लेकिन यहाँ पे खरगोश के पाँव हमारे कैसे हैं? छोटे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दो छोटे छोटे पाँव, दो दांत वाओ दो छः वाओ टे बड़िए छोटे छोटे पाँव पे अलिफ हमजा वाओ नून गुना पाँव दो छोटे छोटे पाँव। इसकी दुम कैसी है? छोटी। और हमारे हाथी की दुम भी कैसी थी? छोटी सी एक दुम है, तो इसकी भी दुम छोटी है, तो हम लिखेंगे छोटी छे वाओ टे छोटी छोटी सीन छोटी सी छोटी सी एक अलिफ ये क्या एक दुम दारपेश मीम दुम है हे पढ़िए है छोटी सी एक दुम है। अब हाथी की हमारी नाक कैसी थी? और लंबी सी है नाक। हाथी की नाक तो लंबी थी, लेकिन इसकी कैसी है? उसकी तो बिल्कुल छोटी सी है, तो हम लिखेंगे ओ छोटी सी छोटी ही है नाक। और अलिफ वाओ रे और छोटी छे वाओ टे
छोटी है, छोटी ही हे, छोटी है ही हे, बड़ी है नून अलिफ क्याफ नाक, और छोटी ही है नाक। उसकी आंखें कैसी हैं? गोल गोल, दो गोल गोल सी आंखें, दो, हाथी की भी गोल होती हैं और खरगोश की भी, दो गाफ वाओ लाम गोल गोल, सी सीन छोटी है सी आंखें, अलिफ मद्दा नून क्याफ ये नून गुन्ना आंखें। कान कैसे हैं उसके? बड़े बड़े कान हैं उसके, तो हाथी के भी बड़े थे, दो बड़े बड़े से कान, दो दालवा दो बे रे बड़िए बड़े बे रे रे बड़िए बड़े दो बड़े बड़े से काफ अलिफ का नून कान, बच्चों का है साथी बच्चों बे छे वाओ नून गुना बच्चों का है सीन अलिफ सा थे छोटिए साथी खरगोश है या हाथी, खे रे गाफ वाओ शीन खरगोश है या ये अलिफ या हाथी, हे अलिफ थे छोटिए हाथी। यहाँ पे है तस्वीर देखकर लफ्ज बनाइए। अब यहाँ पे ग्लास में ये चम्मच से हम लोग घोल रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने आखिरी वर्ड दिया हुआ है, तो घोल के लिए सबसे पहले लफ्ज क्या आएगा हमारा? ये या ये। जैसे अगर मैं ये लगाती हूँ तो ये बन जाता है घोल, गा वाओ लाम लगाती हूँ तो घोल, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? घोल। लिखेंगे गाफ दो आंखों वाला हे वाओ लाम घोल। इसी तरह नेक्स्ट है ये क्या है? हाथ। तो हमने हमारा राइट वर्ड क्या है इसमें लगाने के लिए? अगर मैं ये लगाती हूँ झ, तो ये बन जाता है हाज, और ये बन जाता है थ हाथ, मतलब ये हमारा राइट है। इसको हम सर्कल करते हैं और यहाँ पे नीचे लिखते हैं दो चश्मी हे थ हाथ। ये क्या बनी हुई है हमारे पास? घास। तो घास के लिए पहला वर्ड हम क्या लगाएंगे? ये है जी था, तो ये बन जाएगा थास। ये है घ, बन जाएगा घास। तो हमारा राइट आंसर ये है घास। को सर्कल किया और यहाँ लिखा घा घ अलिफ सीन घास। के बाद है ये क्या कर रहे हैं? इसे छानी से छान रहे हैं ना, छान रहे हैं ना। तो छान के लिए राइट वर्ड हमारे पास क्या आएगा सामने इसके? ये है दा हे वाओ धो, तो धोन, ये तो धोन बन जाएगा, ये बना है छे अलिफ नून छान। तो असल वर्ड हमारे पास क्या है ये? तो इसको हम सर्कल करते हैं, यहाँ पे छान छ अलिफ छ छान। इसके बाद ये क्या है हमारे पास? ढोल। तो इसका राइट वर्ड हमारे पास ढोल, ढा ऐसे डाल दो चश्मी हे वाओ लाम ढोल। इस तरह ये क्या है? साबुन की क्या बनी हुई है यहाँ पे?
झाग क्या है? झाग। हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा राइट आंसर झा, इससे बनाएंगे तो खाग बन जाएगा, ये है ज अलिफ गा झाग। क्या हुआ? अलिफ वाव छोटी है बड़ी है से मिलाई है, मतलब मुसबती हरूफ से इन हरूफ को हमने मिला के लिखना है, जैसे भ अलिफ भा, भ वाव भो, भे वा भी, भे बड़ी है भे। इसी तरह झी झ अलिफ झ अलिफ झ झ वाओ जो झ छोटी है जी झ बड़ी है झे। आगे दाल है ध, तो धा है अल है अलिफ धा दाल हे वाओ धो दाल हे छोटिए धी दाल हे बड़िए धे। ख ख अलिफ ख ख वाओ खो ख छोटिए खी ख बड़िए खे। लफ्ज़ हमारे पास, लफ्ज़ बनाइए तस्वीरों से देख के हमने लफ्ज़ बनाने हैं। तो पहली तस्वीर हमारी कौन सी है? ढोल। ढोल कैसे लिखते हैं? डाल हे वाओ लाम ढोल। नेक्स्ट क्या है? झाग। झ अलिफ गाफ झाग। ये क्या है हमारे पास? हाथी। हे अलिफ थे छोटिए हाथी। क्या है हमारे पास? गोभी। गाफ वाओ भे छोटिए गोभी। अब ये सारा काम अपने अपने नोटबुक्स में और बुक्स में आप करेंगे, और नीट नीट अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।